हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एशियन ग्रेनाइटो लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी के बारे में एक बार हमने वीडियो बनाया था, आपको बताया था ये स्टॉक को हमें आगे के लिए लेके चलना चाहिए, लेकिन अभी का सिनारियो पे जिस हिसाब से करेक्शन चल रहा है, ये स्टॉक को अभी होल्ड करके चलना चाहिए या तो फिर सेल करके निकल जाना चाहिए, पोर्टफोलियो से एग्जिट कर लेना चाहिए, लॉस बुक कर लेना चाहिए। इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड, ठीक है। अगर एक कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं, एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि माइक्रो कैप कंपनी है, 734 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन ये जो कंपनी जो काम करता है, कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, कंपनी का जो काम है, ये ग्रेनाइट सेक्टर का काम है। यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू आता है, यहाँ पे जो बिजनेस होता है, 77% का रेवेन्यू आता है टाइल्स से, और मार्बल से अगर देखेंगे तो 14% का रेवेन्यू आता है। तो ये जो कंपनी है, अगर इसी हिसाब से अगर कंपनी का हम अगर मार्केट सिनेरियो देखें, यहाँ पे 734 करोड़ का मार्केट कैप है, अगर स्टॉक का पी देखेंगे ओनली 6.89 पी पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। इतना मतलब वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे, मतलब पूरा चीप वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है, लेकिन हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए, तो इसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर अभी तक ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसी हिसाब से कंपनी का आरओसी जो है 12.9% का आरओसी है, प्रमोटर होल्डिंग 26% का है, इतना ज़्यादा डेट नहीं है, 0.36% का डेट है। अगर ऑल टाइम हाई की बात करेंगे, 522 पे है और अभी 130 पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। बुक वैल्यू देखिए, नियर टू बुक वैल्यू है, 119 इसका बुक वैल्यू है। तो इसी हिसाब से मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ तो नज़र आ रहा है, जिस हिसाब से हम इस स्टॉक को थोड़ा सा अपना रडार पे लेके चल सकते हैं। अगर हम इसी हिसाब से इसका सेल्स भी देख रहे हैं, तो सेल्स तो बहुत बढ़िया से ग्रोइंग हो रहा है, सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया से प्रॉफिट पोस्ट किया हुआ है। अगर हम लास्ट 3 साल 4 साल का डाटा अगर देखेंगे, तो यहाँ पे 2019 को 21 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद में अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे 2020 को यहाँ पे 42 करोड़ का प्रॉफिट देखते हैं। अभी अगर लास्ट 4 क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 107 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट तो बहुत बढ़िया से ग्रोइंग हो रहा है, उसके साथ में अगर हम सेल्स की भी बात करेंगे, सेल्स भी बहुत बढ़िया से ग्रोइंग हो रहा है। यहाँ पे 1187 करोड़ का सेल्स था, उसके बाद में 1225 करोड़ का सेल्स हुआ, उसके बाद में 1292 करोड़ का सेल्स है। सेल्स तो बहुत बढ़िया से भी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट में आके देखते हैं, तो यहाँ पे रिजर्व भी बहुत बढ़िया से ग्रोइंग हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, 422 करोड़ का 421 करोड़ का रिजर्व था, उसके बाद में 466 करोड़ का रिजर्व हुआ, उसके बाद में 589 करोड़ का रिजर्व हुआ, उसके बाद में 639 करोड़ का रिजर्व हुआ। रिजर्व भी बहुत बेहतरीन ग्रोइंग होती जा रहा है। अगर हम यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे बोरोइंग देखिए, 361 करोड़ का बोरोइंग था, उसके बाद में मार्च 2020 को 332 करोड़ का बोरोइंग हुआ, उसके बाद में 295 करोड़ का बोरोइंग हुआ, यहाँ पे 243 करोड़ का बोरोइंग है। बोरोइंग हमेशा लोन पेमेंट होते जा रहा है। इसी हिसाब से अगर हम पियर के साथ में कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर इस कंपनी का मार्केट कैप की बात करेंगे, यहाँ पे 734 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पे कजरिया सिरेमिक्स का देखिए, यहाँ पे 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब यहाँ से कितना कितना बड़ी मार्केट कैप कंपनी है कजरिया सेरामिक्स। इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसी हिसाब से इसका जिस हिसाब से नेट प्रॉफिट और ग्रोइंग दिखा रहा है, बिजनेस जिस हिसाब से सेल्स दिखा रहा है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अभी बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक का पी देखिए, 6.89 स्टॉक का पी पे ट्रेडिंग हो रहा है। अगर कजरिया सेरामिक्स का अगर हम पी देखेंगे, यहाँ पे 53.52% का पी, 53.52 पे पी चल रहा है। ऐसा मैं बिल्कुल भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल ये कजरिया के साथ में इसको कंपेरिजन किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन सेम सेक्टर की कंपनी है और कितना चीप वैल्यूएशन पे ट्रेडिंग हो रहा है, वो चीज़ हमें देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम सेरा सेरामिक का बात करेंगे, सेरा सैनिटरी की बात करेंगे, तो यहाँ पे सेरा सैनिटरी का 6,400 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इसी हिसाब से अगर हम चार्ट पैटर्न पे जाके देखें फ्रेंड्स, इमीडिएटली अगर इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे जिस हिसाब से वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे बिग बली हुआ है, स्टॉक बिल्कुल लोअर रेंज पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे स्टॉक जो है ना, यहाँ पे काफी सारे स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्टॉक बिल्कुल लो पे आ चुका है। जहाँ पे यहाँ पे कोरोना पे लो तक का जो यहाँ पे लो था, तो वहां तक वहीं पे नियर अबाउट वहीं पे चल रहा है, 111 से कोरोना का लो था, तो उस हिसाब से अभी जो स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे 124 का लो था यहाँ पे।
मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, ये स्टॉक को इमिडिएटली आपको अपना पोर्टफोलियो में लेना चाहिए। अभी तक अगर नहीं लिए हैं, मेरे हिसाब से ये आपको वर्थ बाइंग हो सकता है। अभी अगर इसी लेवल पे अगर बाय करके चलेंगे तो आपको जो ये टारगेट है ना, इमिडिएटली ये टारगेट अचीव हो सकता है। अगर ये स्टॉक में आप ये टारगेट का एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट लेके चलते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये टारगेट आपको इमिडिएटली अचीव हो सकता है। ठीक है, अगर आप यहीं से भी अगर पोजिशन बना के यहाँ तक भी चलेंगे, ठीक है, अगर यहाँ तक भी लेके चलते हैं तो यहाँ तक तो इमिडिएटली ये टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। वहाँ तक का जो टारगेट है, अगर यहाँ से आप पोजीशन बना के चलते हैं तो यहाँ तक का अगर टारगेट है 63% का गेन मिल सकता है, क्योंकि प्रॉफिटेबल बहुत बढ़िया से प्रॉफिट ग्रोइंग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इस हिसाब से स्टॉक को आप अभी ले सकते हैं अपना पोर्टफोलियो में। आपको 63% का प्रॉफिट जो भी है आपको बहुत जल्दी मिल सकता है। ठीक है, जल्दी मीन्स आपको हो सकता है 3 मंथ्स में भी ये टारगेट अचीव हो जाए। मेरे हिसाब से स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेके चलना चाहिए। 3 to 6 मंथ्स में आपको 63% का गेन दे सकता है। अगर फिर भी किसी भी सिनेरियो पे अगर 1 साल भी लग जाए कोई तो भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट स्टॉक टारगेट के लिए अगर ये स्टॉक को भी लेके चलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 300 का टारगेट है ना, यहाँ तक का जो टारगेट है ना, तो ये मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेके चलना चाहिए 300 का टारगेट के लिए। लेकिन ये जो 300 का टारगेट है ना, आपको हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, हो सकता है 1.5 साल लग जाए, लेकिन ये टारगेट तो आपका अचीव हो के ही रहेगा, क्योंकि कंपनी जिस हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है, जिस हिसाब से कंपनी का बिजनेस मॉडल है, मुझे ऐसा लगता है ये टारगेट आपको जरूर अचीव हो सकता है। 303 तक आपको लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक है। आप कोई भी इनमें कोई सा भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा पोर्टफोलियो का 2 to 5% का इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। 2-3% का इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क भी नहीं रहेगा। ठीक है, पोर्टफोलियो को जरूर डाइवर्सिफिकेशन रखना है। अगर आज के दिन का मार्केट सिनेरियो के हिसाब से स्टॉक में अगर हम देखेंगे कितना परसेंटेज का डिलीवरी उठाया गया है, यहाँ पे हमें एक बढ़िया सा डाटा मिल सकता है। अगर हम देखते हैं आज का मार्केट सिनेरियो में ये स्टॉक में कितना परसेंटेज का डिलीवरी उठाया गया मार्केट में, तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो रहा है। यहाँ पे देखिए, जिस हिसाब से यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज के दिन में भी 47% का डिलीवरी उठाया गया, जो कि 63 लाख क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडेड हुआ है। यहाँ पे 29 लाख क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, जो कि 47% का डिलीवरी है, बहुत बेहतरीन डिलीवरी है। तो मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक को आप थोड़ा सा एनालिसिस करके, खुद का एनालिसिस का बेस पे स्टॉक को ले सकते हैं। आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया सा मुनाफा देखने को मिल सकता है। आप अगर 6 मंथ तक भी होल्ड करेंगे, ये आपको 63% का गेन आपको अचीव हो सकता है। 1 साल से 1.5 साल तक अगर होल्ड करते हैं ये स्टॉक में, 142% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, आप पोर्टफोलियो को जरूर डाइवर्सिफिकेशन रखिए, उसी बेस पे आप ट्रेड कीजिए, बहुत अच्छा सा मुनाफा हो सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यूली एंटर किए हैं फ्रेंड्स, मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कीजिए, ये सारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू हुआ, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल हुआ, यहाँ पे स्विंग ट्रेड का बहुत सारा स्टॉक है, अभी भी अपॉर्चुनिटी बचा हुआ है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जरूर वॉचआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।